हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक टाइप के सब्सटेंस दूसरे टाइप के सब्सटेंस के अंदर आसानी से डिजोल्व होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी कि समान समान को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है। अब इसको कैसे समझे, तो जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स से हमारे को मिलते हैं, वो केवल नॉन पोलर सब्सटेंस में ही क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। अब नॉन पोलर सब्सटेंस का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिक टाइप के ही होंगे, तो उन्हीं के अंदर क्या होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजोल्व होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे परमानेंट मार्कर की कोई इंक है, अगर हमें उसको डिजोल्व करना है तो वो पेट्रोल में डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल भी एक क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसके अलावा परमानेंट मार्कर की इंक को अगर हम पानी से साफ करने की कोशिश करेंगे तो वो साफ नहीं होगी, क्योंकि वाटर क्या है, एक पोलर सब्सटेंस होता है। उसी तरीके से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते हैं, जिनको लेबोरेटरी वगैरह में बनाया जाता है, वो सब्सटेंस केवल पोलर सब्सटेंस में ही डिजोल्व होंगे। जैसे कि NaCl नमक है, उसको हम पानी में आसानी से क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन NaCl ऑयल में डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑयल क्या है, एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमेशा नॉन पोलर सब्सटेंस में ही घुलेंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमेशा पोलर सब्सटेंस में ही डिजोल्व होंगे, यानी कि घुलेंगे। तो NaCl H2O के अंदर मिक्स हो जाएगा, लेकिन NaCl ऑयल में मिक्स नहीं होगा। परमानेंट मार्कर की इंक को हम पेट्रोल से मिटा सकते हैं, लेकिन परमानेंट मार्कर की इंक को हम पानी से नहीं मिटा सकते। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो जैसे मैंने एक कपड़ा लिया है, कपड़े को मैंने पानी से गीला कर लिया और यहाँ मैंने अपना गुरुकुल लिखा है जिसको मैं पानी से साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने परमानेंट मार्कर से लिखा है। अब ये जनरली एक इंक है जो कि एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला कोई सब्सटेंस है। अब मैं इसको गीले कपड़े से, यानी कि पानी वाले कपड़े से इसको साफ करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि साफ होता है क्या। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये नहीं मिट रहा है। अब मैं इसी चीज को एक और कपड़ा ले लेता हूँ और मैंने पेट्रोल लिया है। अब मैं पेट्रोल के अंदर इसको डुबो के और इसको साफ करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि ये साफ होता है या नहीं होता। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पेट्रोल से ये क्या हो गया, साफ हो गया। इसका रीजन ये है क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है और ये जो परमानेंट मार्कर की इंक है ये भी क्या होती है, हाइड्रोकार्बन होती है। और दो जब सेम टाइप के सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप केमिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं बार बार यूज करोगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।